हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार और सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ कटिंग से अपने पौधे प्रोपगेट किए थे। ये स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स है, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है और साथ ही ये कैलन कोए हैं। ये सभी मेरे लग गए हैं, लेकिन आज हम कटिंग की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे मिलीबग के अटैक के बारे में। मेरे पास कई सारी क्वेरीज आती हैं और करीब करीब कई बार तो रोज़ ही आती हैं कि इसके लिए कोई केमिकल बताइए। तो फ्रेंड्स, बेस्ट है कि आप किसी भी प्रकार की कोई दवा इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि मिलीबग और एफिड्स दो ऐसे कहना चाहिए पेस्ट हैं, यदि आप उनको मैन्युअली हटाएंगे तो वो एक आदत भी बन जाती है। साथ ही जब हम मैन्युअली हटाते हैं तो हम एक एक कोने कोने में, पौधे के कोने कोने में जाकर हम देख सकते हैं कि उनको किस तरीके से डील करना, उनको किस तरीके से हटाना। कई लोग बोलते हैं पाउडर स्प्रिंकल कर लीजिए, पर ये सारी चीज़ें जो है ये टेम्प्रेरी होती हैं। बेस्ट हैं कि आप रेगुलर उसको जो है वॉच कीजिए और कैसे आगे बढ़ना, आप पूरा वीडियो देखिए, मैंने एंड तक इसमें बताया है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास में ये हिबिस्कस हिरटस का मेरा प्लांट है और इस दौरान मौसम काफ़ी ख़राब होने की वजह से 2-3 दिन मैं अपने गार्डन में नहीं गई और इस पौधे को मैंने कम से कम 1 से 2 हफ्ते से नहीं छुआ और देखा भी नहीं। कभी भी आपके किसी भी पौधे में हिबिस्कस मिलीबग का अटैक होता है तो आप हमेशा मैन्युअली हटाने की कोशिश कीजिए। बेस्ट है या तो आप होस के ज़रिए तेज़ पाइप पानी की धार उस पर स्प्रे कीजिए जिससे वो गिर जाए, और यदि वो पॉसिबल नहीं हो पाता तो सबसे अच्छा है कि मग्गे से पानी के माध्यम से आप उसे डालते जाइए और उसे मैन्युअली वॉश करते जाइए अपने हाथों से। चाहे तो आप टूथब्रश का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मैं सारी चीज़ें अपने हाथ से करती हूँ। उससे क्या रहता है कि कई बार पत्तियाँ मुड़ी रहती हैं टहनियों के नीचे, पत्तियों के नीचे, तो वो हम एक एक चीज़ें निकाल कर और उसे देख सकते हैं और ऐसे में उनको हटाना बहुत आसान हो जाता है। देखिए कहाँ कहाँ है। सबसे पहले तो ये जो न्यू ग्रोथ होती है उनमें आपको दिखेंगे, जो कलियाँ होती हैं उनमें आपको दिखेंगे, और ये बहुत ही बारीक बारीक छोटे छोटे कहीं कहीं तो सिर्फ वाइट डॉट्स जैसे सिर्फ दिखते हैं, तो उनको आप कभी भी इग्नोर मत कीजिए। किसी भी स्टेज में यदि आप इन्हें इग्नोर करेंगे तो ये बढ़ते ही जाएंगे। तो बेस्ट है कि आप इन्हें पानी से वॉश कर लीजिए। देखिए हार्डली थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, 10 या 15 मिनट लगते हैं, बट आप इनको पानी से वॉश कर दीजिए। एक एक कोने में ढूंढ ढूंढ के आप इन्हें वॉश कर दीजिए। जब आप पानी से वॉश करने लगेंगे तो बहुत दिनों तक तो ये नहीं आते, 1 हफ्ते तक तो मैं गारंटी देती, क्योंकि यदि आप कुछ स्प्रे करते हैं, कुछ डालते हैं, तो वो धीरे धीरे उसको यूज़ टू हो जाते हैं, तो इसलिए वो एक उसके अगेंस्ट में एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें काम नहीं आती। लेकिन जब आप पानी से वॉश करते हैं तो ये वॉश आउट हो जाते हैं। इस तरीके से देखिए बार बार चेक करते जाइए और वॉश करते जाइए। देखिए मैंने पूरी तरीके से वॉश कर लिया, एक आध कहीं है तो उसे भी मैं वॉश कर दूंगी। वॉश करने के बाद में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कपूर हम सभी के घर में उपलब्ध होता है और पूजन सामग्री में हम सभी इस्तेमाल करते हैं कपूर। यदि आपके यहाँ नहीं है तो अच्छी क्वालिटी का कपूर आप ले आइए। तो कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा, ये बहुत छोटा सा टुकड़ा है, इसको हम ये इजीली हाथ से क्रश हो जाता है। इसे क्रश करके आप रूट्स के चारों तरफ डाल दीजिए, साथ ही जहाँ पर नई कोपल निकलते हैं, न्यू शूट्स निकलते हैं, वहाँ पर भी आप मैन्युअली उसे लगा दीजिए थोड़ा। तो 2-3 दिन के लिए इतनी उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है कि वहाँ पर चींटियों का या किसी भी प्रकार के कीटों का आना पॉसिबल नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर आप लगा दीजिए। मेरे 2 प्लांट्स, एक प्लांट और है वो तो इससे भी ज़्यादा इन्फेस्टेड था। मैंने जब उसको वॉश किया और केयरफुली वॉच किया तो उसके तने में कुछ कह लीजिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से उसके तने में थोड़ा सा छेद हो गया। उस छेद के अंदर भी मिलीबग ने अपना अटैक कर लिया था, काफ़ी सारे वहाँ पर भी हो गए थे। ये तो मैंने ऊपर लगा दिया, लेकिन उस पौधे में भी मैंने उसके तने में भी लगाया, मैं आपको दिखाती हूँ। वो पौधा भी मैंने उसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने उसको सिर्फ आपको एंड में बताया है कि उसको किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। तो ये देखिए ये वाला पौधा, ये सबसे ज़्यादा इन्फेस्टेड था, इसमें काफ़ी सारे मिलीबग लगे हुए थे और ये इसके तने में आप देख रहे हैं बीच में, ये पता नहीं कैसे अपने आप से ये होल हो गया, शायद ये स्केल्स का इन्फेस्टेशन है ये। तो इसको कुछ नहीं किया मैंने, बस यहाँ पे कपूर की जो टुकड़ा था इसको मैंने क्रश करके इसमें लगा दिया और जड़ों में भी डाल दिया।
तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में, अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स एंड क्वेरीज मुझे लिख भेजिए। हम फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।